यहाँ पर हम लोग जो थे बैंगरेट पर डिस्कस कर रहे थे सर, बैंगरेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शमीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बस 2 मिनट का वेट और करते हैं, कुछ साथी और जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं, फिर से स्टार्ट कर देंगे। बैंगरेट पे लास्ट टाइम पोर्शन पे थे हम लोग, जब तक साथी जुड़ रहे हैं तब तक थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एनीबडी कोई भी आंसर दीजिएगा, जस्ट ये मार्कर सेट कीजिए भाई अपना, 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। अभी ठीक है, टेक्निकल काम है, सिर्फ क्लास से पहले अपडेट कर लिया है ना, बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, रेडी है, ओके, 51 हो चुके हैं। देखिए, अगर मैं जिससे बात करता हूँ यहाँ पर, कि अगर कोई बैंक रेपो रेट को मिसमैच कर रहा है, रेपो रेट जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, सीआरआर जो है, ये लिख क्यों नहीं पा रहा भाई, इसे चेक करो, लिख रहा सर, इसे देख एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है, क्लासेस के बीच में मुझे सही लगता है ये चीज़ पता। ठीक है, देखिए मान लेते हैं सीआरआर की बात करते हैं, तो अगर कोई बैंक सीआरआर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है किसी बैंक से, कुछ अमाउंट शॉर्टफॉल उसका हो रहा है, तो अगर वो 2 दिन तक लगातार उसे मेंटेन नहीं करता है, तो 2 दिन तक उस पर पेनल्टी क्या लगेगी सर? एनीबडी आंसर दे। बैंक रेट प्लस 3% फर्स्ट डे के लिए और 5% फॉर सेकंड डेज के लिए। बहुत अच्छे अनिल वर्मा जी, बहुत अच्छे, शाबाश। और यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर प्रमोद सर हमारे, बढ़िया सही आंसर, एकदम सही से क्लियर हो गया है। अच्छा ये बताइए, सीआरआर की जो रिपोर्ट्स होती है, जो स्टेटमेंट रिपोर्ट्स होती है, वो इसे कितने दिन के अंतराल पर जो है मेंटेन करना कंपलसरी होता है किसी बैंक के लिए? 14 डेज, यानी फोर्थ नाइट बेसिस पर, 14 डेज 2 वीक, या 14 डेज यानी कि फोर्थ नाइट बेसिस पर इसको कहा जाएगा। चलिए बताइए, एसएलआर का जो स्टेटमेंट है उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, मैं फॉर्म 8, फॉर्म 6 या फॉर्म 10? फॉर्म 8 होता है सर, फॉर्म 8, फॉर्म A होगा सीआरआर के लिए, फोर्थ डे बेसिस पर। फॉर्म 8 होगा किसके लिए? फॉर्म 8 होगा किसके लिए? एसएलआर के लिए, जबकि फॉर्म A होगा फोर्थ डे बेसिस के लिए, सीआरआर के लिए। दोनों को पॉइंट ध्यान रखिएगा इसके लिए सर, बहुत बढ़िया, कितने साथ है। ठीक है, मेरे ख्याल से सेशन को स्टार्ट किया जाए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए। ओके, डोंट वरी सर, तनु मंडल जी, बिल्कुल आज का पहला सेशन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खाली अभी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टार्टिंग सेशन आपको मिस हुआ होगा, वो आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर बैंक रेट की, जैसे हमने लास्ट टाइम में बात की थी वहीं से स्टार्ट करूंगा। इस बैंक रेट के पोर्शन को समझने के लिए थोड़ा बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी है सर आपको, ठीक है, ताकि हम बैंक रेट या उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो प्रियंका मैम बिल्कुल मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है, जो भी आपका। हाँ, मैं बिल्कुल चैट प्राइवेट कर देता हूँ पहले, ठीक है, थोड़ा पानी लगेगा सर। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कुछ बेसिक चीजें यहां पर हम लोग जानने के लिए बहुत जरूरी है सर, कि किस प्रकार से यहां पर आरबीआई हमारा वर्क करता है सर। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है देश का सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई जो है देश के अंदर लेंडर ऑफ लार्ज सोर्ट कहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, लेंडर ऑफ लार्ज सोर्ट किस बैंक को कहा था? ओनली आरबीआई को, किसी बैंक को कहीं लोन नहीं मिलेगा, फाइनली आरबीआई से मिलता है। ठीक है, फाइनल जो लेंडिंग हमारा रहेगा, लास्ट रिसोर्ट वो कौन रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, आरबीआई जो लोन देता है अपने कस्टमर्स को देता है, जैसे हमारी हम बैंकों में अकाउंट खोलते हैं, वैसे बैंक आरबीआई के अकाउंट खोलते हैं। अब आरबीआई के कस्टमर मैंने आपको बताए थे कौन हो सकते हैं? ऐसे लोग, ऐसे कंपनीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरबीआई को समय पड़ने पर लोन दे भी सके और लोन ले भी सके सर। ठीक है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वही इसके अंदर जो है आपका वर्क कर सकती है सर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सर, 1 मिनट क्या लगाते हैं हमने। ठीक है, अब रिजर्व बैंक के कस्टमर्स में बात करते हैं, तो जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हो सकते हैं सर, ठीक है, कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं, या पीडीज हो सकते हैं, प्राइम डीलर्स, इसके अलावा आपके जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FIs वगैरह हो सकते हैं सर। इसके अलावा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है आपकी, ये इसके कस्टमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है, आपके बैंक जितने भी हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, विदेशी हो, ग्रामीण हो, कोऑपरेटिव हो, हर तरह के बैंक जो होते हैं वो इसके कस्टमर्स हैं, या जितनी भी NBFC कंपनीज हैं वो इसकी कस्टमर है, या लैब लोकल एरिया बैंक वगैरह जितने भी हैं वो सब इसके क्या होंगे? कस्टमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, नीड पड़ने पर लोन लेते भी और देते भी है सर। ठीक है,
अब इसका आरबी का मेजर काम क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, कैश का फ्लो मेंटेन रहे, ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो सर, ठीक है। तो वो किस प्रकार से करता है वो चीज मैं आपको आपके अंदर बताने वाला हूँ, सिखाने वाला भी हूँ सर, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी WMA, और आई होप कि कल मैंने थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था तो दोबारा समझाता हूँ। WMA यानी कि वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम। पहला क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है WMA की फुल फॉर्म, WMA लॉन्च कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1997 में बाई सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट ने आरबी के पास में WMA नाम से एक डेवलप किया फंड सर। कैसा फंड? एक ऐसा फंड, एक ऐसी गुल्लक। इस फंड में हर साल एक निश्चित अमाउंट आरबी सेपरेट सेट करेगा किसके लिए, ओनली गवर्नमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इस समय कि अप्रैल टू सेप्टेम्बर, अप्रैल से सितंबर मंथ के लिए यानी पहले 6 महीने के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपीज, इसके अंदर क्या है, डिपॉजिट किए गए हैं आरबी के द्वारा। बिल्कुल सही, ठीक है। आरबी के द्वारा इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, और ये 1.5 लाख करोड़ रुपए से क्या होगा, जितनी भी राज्य सरकारें हैं जब कभी भी लोन की डिमांड आरबी से करती हैं तो आरबी इसके बिहाफ पर उनको लोन देगा, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ में से लोन देगा और उस पैसे को यहीं पे वापस भी लेगा सर। तो ये फंड व्यवस्था बनाई गई है इस पहले 6 महीने के लिए सर, ठीक है। अब जो ये लोन कोई भी राज्य सरकार लेती है तो उसके लिए ड्यूरेशन क्या होती है, तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया सर, 90 डेज की ड्यूरेशन के लिए लोन देते हैं सर, ठीक है। और इस ड्यूरेशन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राज्य सरकारों से, वो कितना लेता है सर, जो भी मार्केट में रेपो रेट होगा वही चार्ज आपको देना पड़ेगा। जल्दी से बताओ रेपो रेट कितना है, रेपो रेट कितना है इस समय? यस बिल्कुल सही, 6.50%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस परसेंट रेट पर आपको जो है आरबीआई द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जाएगा। अब देखिए 90 दिन की अवधि के लिए लोन दिया गया है, लेकिन अगर मान लेते हैं राज्य सरकारें 90 दिन में पैसा नहीं चुका पाती है तो फिर एडिशनल टाइम पीरियड कितना मिलेगा, एडिशनल टाइम टाइम जो होगा वो कितना होगा, मैं प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा और मिलेंगे सर, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेंगे। बस इस 10 डेज में ये जो अमाउंट है वो ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ओडी की फैसिलिटी में काउंट किया जाएगा, और ओडी की फैसिलिटी के कारण क्या होगा, यहां पर हर दिन के लिए पेनल्टी लगेगी सर, पेनल्टी हर दिन के लिए पेनल्टी लगेगी, ना ना यहां पेनल्टी जो काउंट होगी, ध्यान पेनल्टी की बात कर रहे हैं। यस बिल्कुल सही कहा दिव्या जी, जो भी रेपो रेट चल रहा होगा रेपो रेट प्लस 2% की पेनल्टी लगेगी पहले दिन के लिए, नेक्स्ट के लिए रेपो रेट प्लस 3% के हिसाब से आपकी पेनल्टी यहां पर काउंट होगी, और ये रेपो रेट के हिसाब से आप बढ़ती जाएगी सर, ठीक है, अगर आप जितना डिले करते जाएंगे सर। तो रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से पेनल्टी इसके अंदर काउंट होती है, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा इसके अंदर रेपो रेट प्लस 2%, और ये तब तक चलेगी जब तक कि 10 दिन का टाइम पीरियड चलेगा, और अगर 10 दिन भी ओवर कर दिया तो फिर क्या होगा कि ये रेपो रेट प्लस 5% के हिसाब से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जबरदस्त पेनल्टी हम पहुंचेगी यहाँ पे। बस सोचिएगा रेपो रेट नहीं 6.5+2% यानी कि 8.5% का रेट लगेगा, नहीं ये 8.5% पर एनम का है, इसे 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, वो रेट देना पड़ेगा आपको सर, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है किस पे देना पड़ेगा, शॉर्टफॉल अमाउंट जो बचा हुआ है सर, जो अमाउंट आपने पे नहीं करा उस पे देना पड़ेगा। आई होप के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके क्लियर होंगे सर। देखिए बिल्कुल आपको बता दो सचिन जी कि 10 दिन के अंदर अंदर जो पेनल्टी है वो रेपो रेट प्लस 2% की रहेगी सर, और अगर 10 दिन से ऊपर भी डिले करते, इससे भी ऊपर डिले करते तो फिर 10 दिन का समय दिया जाएगा, और उस पीरियड में क्या होगी, रेपो रेट प्लस 5% के हिसाब से पेनल्टी यहां इंपोज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी ज्यादा इस पर लगाना शुरू कर देगा सर, ठीक है। तो राज्य सरकार है, उनको फाइनेंस सपोर्ट के लिए ये सुविधा बनाई गई है, ये आप बिल्कुल ध्यान की इसके लिए सर, ठीक है। अब यहाँ पर आई होप कि थोड़ा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसे मैं थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं साथ ही ले लीजिए, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें पहले मैं क्लियर कर दूं ताकि बैंक रेट रेपो का पोर्शन आप समझ सकें। ओके एक बार रिपीट करते हैं सतीश जी, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पिंकेश जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए WMA का फुल फॉर्म होता है, अगर आप प्लीज नोट कर रहे हैं सभी लोग तो नोट भी कर लीजिएगा, इज अ वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम। देखिए वेज एंड मींस एडवांस, ठीक है, इसे बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांस, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में बाई सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट ने आरबी के पास में WMA नाम से एक फंड, एक व्यवस्था डेवलप की थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट जो हैगा आरबी इसमें डाल देगा, वो अमाउंट जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करेगा। तो आरबी करता है हर साल क्वार्टरली या 6 महीने के लिए इसमें अमाउंट डालता है,
जैसे अभी अप्रैल से सितंबर मंथ तक के लिए कितना है, 1.5 लाख रुपए। सेप्टेम्बर खत्म होने के बाद अक्टूबर मंथ से इसके अंदर फ्री अमाउंट क्या होगा, दोबारा से रिवाइज होगा, हो सकता है वो 1.5 लाख रही, ऐसे ज्यादा हो जाए ऐसे कम भी हो सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट में डब्ल्यूएमए के अंदर कितना अमाउंट डिपॉजिट किया आरबीआई ने, तो ये है 1.5 लाख करोड़ प्रेजेंट में, और अगर अक्टूबर का एग्जाम टाइम पीरियड होगा तो उस समय अमाउंट कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि डब्ल्यूएमए के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी स्टेट गवर्नमेंट को जब लोन देते हैं, राज्य सरकारों को लोन देता है आरबीआई, तो ये लोन कितने दिन के लिए होता है, 90 दिन के लिए दिया जाता है सर, और इस लोन पे रेट क्या लगता है, ओनली रेपो रेट लगता है, ठीक है। और अगर 90 दिन में पैसे नहीं चुकाया तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी, 10 दिन की पेनल्टीज होगी इसके अंदर, ठीक है, ये भी जानना। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे अनिल वर्मा जी ने परफेक्टली डिफाइन किया है इसको, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 75 के अंदर डिफाइन किया गया है सर, ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया यहाँ पर सर, अनिल वर्मा जी ने बहुत बढ़िया सही आंसर दिया यहाँ पर, कि आरबीआई 1934 के सेक्शन नंबर 75 17(5) के अंदर जो है डब्ल्यूएमए को डिफाइन किया गया। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस सेक्शन में डिफाइन किया गया सर, है ना। हाँ देखिए इसके लिए मैं अभी धीरे धीरे करके कई सारे पॉइंट्स पे आऊंगा, तो आपको सोर्स फंड की डिपॉजिट से वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके अंदर से। ये जो फंड्स आरबी बनाता है, ये फंड्स क्या होते हैं कि ये समय समय पे सपोर्टिंग के लिए होते हैं गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट हाउस को, बैंकों को सपोर्ट के लिए होते हैं सर, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा बताता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लीजिए इसका सर, उसके बाद मैं इसको रफ करके थोड़ा सा आपको बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि जब मैं डिस्काउंटिंग और री डिस्काउंटिंग बॉन्ड्स की बात करूं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। रफ कर दूं इसको मैं, किसी का स्क्रीनशॉट दे रहा है प्लीज बता दीजिए, क्योंकि रफ करने के बाद ही वापस नहीं आएगा सर, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा, मैं रफ ही कर देता हूं इसको। ये सही देखिए, रेपो रेट से 2% की पेनल्टी होगी सर, कितनी होगी, रेपो रेट से 2%, ठीक है। अगर 10 दिन के बाद बात की जाए तो रेपो रेट से ये आपकी 3% या 5% जो होगी ये आरबीआई तय करेगा, ध्यान रखना ये फिक्स नहीं होती है, ये आरबीआई तय करेगा कि कितना अमाउंट है, कितने समय डिले हो रहा है, उसके हिसाब से आरबीआई से पेनल्टी इम्पोज करेगा, यानी 2% से ज्यादा ही होगी, ठीक है, 2% ज्यादा होगी इसका, लेकिन रेपो रेट से 2% पेनल्टी फिक्स ही है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये मेन चीज आपको याद रखनी है पर डे के हिसाब से सर, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, देखिए अब आते हैं यहां पर सबसे पहले कि आगे पॉइंट बढ़े हम लोग, अब हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर, एंड आई होप के सभी को पता होगा बॉन्ड्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसा है जो इनके बीच के डिफरेंस को नहीं जानता, नहीं जानता है तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं अभी, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं कि शायद नहीं जानते हैं, तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बता देता हूं। सतीश पांडा जी ने हाई हैंड राइज किया है, जस्ट अ मिनट सतीश सर, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं आपसे बात कर पाऊं, क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर, अच्छा नहीं जानते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, ओके हैंड डाउन कर लिया है, देखिए नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर बॉन्ड समझिएगा, बॉन्ड्स का मतलब नाम से होता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब सपोज एग्जाम्पल के लिए बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड इज अ लीगल एग्रीमेंट, इस बॉन्ड इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, ठीक है। निकिता जी होता क्या है, बॉन्ड क्या है, एक लीगल करार। फॉर एग्जाम्पल निकिता मैम आप मेरी कंपनी में जॉब करती हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं और मैं नहीं चाहता मेरी कंपनी छोड़ के जाओ, तो मैं आपसे बॉन्ड साइन कर लूंगा, यानी एक एग्रीमेंट करूंगा आपके साथ में, एक लीगल एग्रीमेंट कि 3 साल तक मेरी कंपनी में जॉब आप करोगी, छोड़ के नहीं जाओगी, यदि आप छोड़ के जाओगी तो आप मुझे 50 लाख रुपए दोगे 3 साल, अगर आपने काम कर लिया तो आदत पड़ जाएगी आपको, कहीं जाने के रहोगी नहीं, और 50 लाख होगा नहीं, सरकार छोड़ सकती नहीं बिल्कुल भी। तो जो बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब ये एग्रीमेंट कैसे होता है, ये किसी भी तरह का होता है, ये आपके पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी हो सकता है, ये हो सकता है आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोई पर्सन है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे अनिल वर्मा जी है, ठीक है, वर्मा जी हमारे स्मार्ट लग रहे हैं बढ़िया, ठीक है, शानदार व्यक्ति हमारे वर्मा जी, ठीक है। हाँ अब देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखिए ध्यान समझिएगा, बॉन्ड बॉन्ड इज अ लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, इन्वेस्टर्स एंड कंपनी लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे वर्मा जी है सर, ठीक है, वर्मा जी की
बात की जाए तो वर्मा जी के पास सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं, और वर्मा जी कह रहे क्या करूँ यार, इसका कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दूं कहीं पर, तो ये जाते हैं सपोज कीजिए किसी बैंक के पास, ठीक है, बैंक में। अब बैंक में क्या होता है, निकिता जी हमारी मैनेजर बैठी है वहां पर, और जाकर के उनसे प्लान करते हैं कि मैडम मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं 1 साल के लिए इसे फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ, यानी एफडी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं आप, इसकी एफडी, आप इसकी एफडी करना चाहते हैं। तो आपने 1 लाख रुपया बैंक को पे कर दिया, और बैंक ने इसके बदले एक रिटिन पेपर, एक रिटिन डॉक्यूमेंट लिख करके आपको दिया कि मिस्टर वर्मा आज आपने 1 लाख रुपए दिए हैं, 10% ब्याज पर 1,10,000 रुपए हम आपको पे करेंगे 1 साल के बाद, राइट। तो जो ये बॉन्ड है, यानी जो एफडी का डॉक्यूमेंट है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड मतलब एक लीगल एग्रीमेंट जो कि वर्मा जी और बैंक के बीच हुआ है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि कल को ब्याज दर बढ़े घटे उससे मतलब नहीं, जितनी ब्याज दर इसमें फिक्स कर दिए उतना पैसा वर्मा जी को मिलेगा। अब यहां पे देखिए कि जो बॉन्ड है, वर्मा जी आपके लिए क्या है, ये बॉन्ड है आपके लिए, बॉन्ड है, एक लीगल एग्रीमेंट है। अगर मान लीजिए इस एग्रीमेंट की शर्तों को आप तोड़ते हैं, यानी आप 6 महीने पैसे विड्रॉ करते हैं, तो कोई बात नहीं, पैसा आप ले लीजिए, तो यहां बैंक को अधिकार होगा कि बैंक कुछ पेनल्टी काट करके आपको पैसा दे दे, आपके इंटरेस्ट में से लगभग 1% 2% पेनल्टी काट करके पैसा आपको दे दे। लेकिन अगर बैंक क्या होता है, समय से पहले आपकी एफडी को मतलब मान लीजिए विड्रॉ कर देता है कि भैया पैसा ले जाओ, हम बैंक के यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अधिकार है कुछ पेनल्टी डिमांड करने का, ठीक है। तो ये आप दोनों की, दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा, ये एक लीगल एग्रीमेंट है, यानी एक तरह का बॉन्ड है, सही। तो वर्मा जी आपने पैसा इनको दिया, उसके बदले आपने इनसे ये रिटर्न पेपर ले लिया 1 साल के लिए, 1 साल बाद दोगे पैसा आपको वापस मिल जाएगा बढ़ करके जो मिल रहा है। अब यहां देखिए डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर और कुछ नहीं है, डिबेंचर भी बॉन्ड का ही रूप होता है सर। डिबेंचर और बॉन्ड अलग अलग नहीं है सर, एक ही चीज है, बस फर्क क्या होता है इनके ऑपरेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर वो बॉन्ड इश्यू होते हैं, ध्यान समझिएगा डेफिनेशन, डिबेंचर वो बॉन्ड इश्यू होते हैं जिन्हें कंपनीज मार्केट से फंड राइज करने के लिए इशू करती हैं। डिबेंचर वो बॉन्ड इश्यू होते हैं जिन्हें कंपनीज मार्केट से फंड राइज करने के लिए इशू करते हैं। देखिए सिंपल एग्जाम्पल से, ये बैंक क्या है, एक कंपनी है। अब बैंक ने क्या करा है, एक रिटर्न पेपर दिया आपको, और उसके बदले आपसे ये 1 लाख रुपए यानी कि मनी आपसे ली। अब ये जो मनी ली है, ये मनी बैंक क्या कर रहा है आपसे, इस कागज के टुकड़े के बदले में मनी आपसे उधार ले रहा है सर, 1 साल ले रहा है, और प्रॉमिस कर रहा है कि भैया 1 साल बाद हम आपको जो है इतना पैसा वापस करेंगे विद ब्याज, पैसा मत दो। इस एग्रीमेंट के यहां पर बैंक 1 साल तक इस पैसे का इस्तेमाल करेगा और 1 साल बाद इतना पैसा वापस करेगा। तो यहां पर अगर बॉन्ड को देखें तो कस्टमर के लिए तो बॉन्ड है, लेकिन आपके लिए ये क्या होगा, यही आपके लिए डिबेंचर होगा सर। डिबेंचर कुछ नहीं है, डिबेंचर वो बॉन्ड इश्यू है जिन्हें कंपनीज, कंपनी कौन है, बैंक, कंपनीज मार्केट से फंड राइज कर इशू करती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, एफडी का डॉक्यूमेंट है, इसको आपने वर्मा जी को इशू करके मार्केट से फंड राइज कर लिया, ये तो बात हो रही है। एफडी में क्या हो रहा है, उधारी तो ले रहा है बैंक, 1 साल तक इस्तेमाल करता है जो भी टाइम पीरियड है, और उसके बाद विद ब्याज पैसे वापस कर देता है। हाँ, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अनिल जी, बॉन्ड हमेशा सिक्योर्ड होंगे ध्यान रखना, लेकिन डिबेंचर हमेशा अनसिक्योर्ड होंगे। अब ये बड़ा दिक्कत होती है, लोग समझते हैं कि यार सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में बड़ा कन्फ्यूज, जब दोनों एक ही चीज, तो सिक्योर्ड कैसे हो गया, अनसिक्योर्ड कैसे हो गया। तो अनिल वर्मा जी एक चीज को बड़ा ध्यान समझिएगा, जब हम एज ए बॉन्ड पैसा लगा रहे हैं, तो इस बॉन्ड पर क्या होता है, जो बैंक को दे रहे हैं, तो इसके बैंक के पीछे खड़ी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसी भी एफडी पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है सर, जिस भी एसेट पर गवर्नमेंट गारंटी है, तो वो क्या हो जाती है, बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड हो जाती है सर, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहां बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो बैंक जो होते हैं वो मार्केट से फंड राइज करने के लिए वो आपसे मनी डिमांड कर लेते हैं सर, ठीक है। तो आप गए पैसे के बाद पैसे ले लिया, तो बैंक को अपने बिजनेस के लिए पैसा मिल जाता है और वो उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो यहां पे अगर बैंक जैसे उधार के केस में देखा जाता है, तो जब बैंक ने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया, एफडी का डॉक्यूमेंट दिया और आपसे पैसा लिया, तो यहां कोई एसेट बैंक ने नहीं रखी टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली कोई भी किसी तरह की एसेट बैंक ने यहां पे नहीं रखी है सर। और जब बैंक ने कोई एसेट नहीं रखी है, तो वह क्या होगा, टेक्निकली अनसिक्योर्ड होगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट गारंटी नहीं, बैंक मार्केट से फंड राइज कर रहा है सर, बात समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए मैं खुद बैंक हूं, तो अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मान लिया शमीम सर,
आपने अगर मुझे 1 लाख रुपए दिया है और मैंने आपके इसके बदले आपको बॉन्ड इश्यू कर दिया है, तो वो आपके लिए बॉन्ड होगा, बट मेरे लिए वो डिबेंचर है, क्योंकि उसके बिहा पर मैंने 1 लाख रुपए आपसे लिया। अब उस 1 लाख को मैंने सिर्फ कागज का टुकड़ा ही तो दिया आपको, एग्रीमेंट। तो टेक्निकली क्या है, मैंने कोई एसेट मॉर्गेज दी आपके पास में, सो वो एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी में काउंट होगा। ध्यान रखना, हमेशा ही क्वेश्चन जमा आता है, बॉन्ड हमेशा सिक्योर्ड होंगे, डिबेंचर हमेशा अनसिक्योर्ड है। एलआईसी का बॉन्ड होता है, एलआईसी का बॉन्ड होता है, एलआईसी का बॉन्ड होता है, क्या होता है उस पर टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ लिखी होती है। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी बॉन्ड, क्यों बोलते हैं बॉन्ड, मतलब उस पर टर्म्स एंड कंडीशन साफ है। बॉन्ड मतलब एक एग्रीमेंट है आपकी और एलआईसी के बीच में, राइट। तो आयोग के बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया आपके लिए कि बॉन्ड और डिबेंचर क्या होता है। क्योंकि आने वाली जो चीजें हैं, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है, उनको समझने में आपको आसानी होगी सर। ठीक है, कल का सेशन शाम का है, 2 घंटे का मैराथन सेशन होगा, और मैराथन सेशन में हम लोग एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले सभी को इन्फॉर्म करता हूँ सर। एक्सप्लेन मी टू अगेन, ओके, अच्छा, 1 मिनट सोमानी जी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कल का सेशन आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कल का सेशन एमसीक्यू सेशन होगा, 2 घंटे का सेशन है, और शाम को जो है 7 से 9 हमने टाइम इसका सेट किया है कि शाम को 7 से 9 का मैं क्लास होगा। हालांकि मैं सुबह 8 से 10 का सेशन रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगी तो मॉर्निंग में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो इसी वजह से प्लान शाम का रखा गया है 7 से 9 का। या अगर कोई डिले हुआ, ठीक है, किसी वजह से, तो हम इसको 7:30 से 9:30 भी कर सकते हैं, या 6 से 8 भी कर सकते हैं सर। मॉर्निंग का सही है का सर? एशिया कप का फाइनल है भाई, और मैं यही 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 सर, मॉर्निंग में कर लें, मॉर्निंग, नाइट में मूवी 10 से 12 सुबह। एक्चुअली क्या है, कल मॉर्निंग में 10 के बाद मुझे भी थोड़ा सा कुछ आउटसाइड में मुझे निकलना है थोड़ा सा, इसलिए मैं टाइम थोड़ा सेट करते हैं। तो मॉर्निंग में 8 से 10 का टाइम मेरे पास था, 8 से 12, वाह, ठीक है। चलिए मैं अभी क्लास के बाद जो बात करता हूँ, और उसके रिकॉर्डिंग जो भी आपको मैसेज होगा आ जाएगा क्लास के अंदर। आपसे मैंने बात कर ली, आप सुबह 8-10 के लिए एग्री हैं, सो मैं 8 से 10 की भी बात कर लूंगा, और अगर बात नहीं बनती है तो शाम का टाइम तो ये फिक्स रहेगा रहेगा सर, ठीक है। एशिया का मैच है सर, बिल्कुल सर। चलिए, अभी हमने बॉन्ड डिबेंचर को समझ लिया, मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पे सर, इसे रफ करने जा रहा हूँ, समझिएगा। और डिबेंचर एक बार रिपीट कर दूँ सत्य जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात, ये एक एफडी का बॉन्ड है, ध्यान समझिएगा, ये एफडी है सर। मैं भी ये एफडी मतलब क्या, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जाम्पल समझिए। ये हमारा बैंक है और ये हमारे वर्मा जी हैं, ठीक है। वर्मा जी ने मनी दी किसको, ये मनी दे दी बैंक को, ठीक है, और उसके बदले बैंक ने ये एफडी का पेपर जो है किसको दे दिया, वर्मा जी को, एग्रीमेंट लिख करके। अब यहां पर आप देखें तो वर्मा जी ने पाया बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, कि भैया आपको 1 साल के लिए 10 लाख बैंक ने लिए हैं, और 1 साल बाद 1,10,000 वापस करेंगे, ये बॉन्ड है, ये शर्त है। वर्मा जी एग्री करते हैं, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे सेव कर दो। लेकिन बैंक ने क्या करा, इसको अगर बैंक की निगाह देखो, अगर वर्मा जी निगाह देखोगे तो ये बॉन्ड है, लेकिन बैंक की निगाह से देखोगे या किसी कंपनी की निगाह देखोगे तो ये क्या है, डिबेंचर। ये क्या होगी, डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर वो बॉन्ड इश्यूज होते हैं, डिबेंचर वो बॉन्ड इश्यूज होते हैं जिन्हें कंपनीज कंपनीज मार्केट से फंड राइज करने के लिए इशू करती हैं, मार्केट से फंड जुटाने के लिए। तभी तो हिंदी में डिबेंचर को बोलते हैं ऋण पत्र, ऋण यानी कि लोन लेने वाला पत्र। बैंक ने इसको इशू करा एफडी को, और उसके व्यापार वर्मा जी से पैसा ले लिया उधार, और निश्चित समय से बाद ये एफडी का बॉन्ड जो वर्मा जी वापस करेंगे तो मनी को विद इंटरेस्ट क्या करेंगे, वापस कर देंगे सर। तो ये बहुत मेजर सा डिफरेंट होता है बॉन्ड एंड डिबेंचर का सर, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा सर, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर। एक चीज होती है डिस्काउंट एंड रीडिस्काउंट, एंड रीडिस्काउंटिंग, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग, माफ कीजिए थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, मेरे ख्याल से आकाश सर ये आप अच्छे से जानते हैं, अभिषेक पांडे जी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे पांडे जी आप भी जानते हो सर, इसके लिए डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग क्या होती है, ऑलरेडी मैं क्लासेस में पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था इसके लिए। तो यहां पे बहुत सिंपल से वे में समझाए तो आपके लिए कि डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग होता क्या है। बिल्कुल, ये देखिए एक कंपनी है, ए नाम की एक कंपनी है साहब, ऐसे मानिए सर, ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। और कंपनी के पास में 1 करोड़ रुपए का, सपोज करिए क्या है इसके पास में,
ये है इसके पास में सीपी कमर्शियल पेपर है, सपोज कीजिए कमर्शियल पेपर रखा है इसके पास है कितना 1 करोड़ रुपए का, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है सर 1 करोड़ रुपए की। अब ये 3 महीने की वैलिडिटी का है सर, 3 महीने बाद कंपनी के करोड़ मिल जाएगा सर, 1 करोड़ रुपए का कंपनी ने मार्केट से परचेज किया था, जितनी भी अमाउंट में लिया हो सर कोई दिक्कत नहीं। तो 3 महीने की वैलिडिटी के साथ में 1 करोड़ का सीपी जो है यहाँ पर कंपनी के पास अवेलेबल है। अब रैंडमली कंपनी को बहुत अर्जेंट नीड होगी पैसे की कि यार बहुत कहीं से व्यवस्था करनी है, बिजनेस के लिए बहुत जरूरत पड़ी पैसे की, तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी तुरंत किसी बैंक के पास जाएगी और बोलेगी कि भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए का ये सीपी है, क्या है सीपी है, ये आप रख लो और मुझे इसके बदले मनी दे दो। मैं बिल्कुल अभी थोड़ा सा पार्टनरशिप थोड़ा क्लियर करता हूँ आपके लिए, ठीक है 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी के पास में 1 करोड़ का सीपी था सर, सीपी समझते ना कमर्शियल पेपर, तो यहाँ पर उस कमर्शियल पेपर को 1 करोड़ कमर्शियल पेपर को उसको नीड पड़ गई, तो उन्हें क्या करा, उन्हें कहा बैंक से भैया मुझे पैसा चाहिए अर्जेंट नीड है पैसे की, आप मुझे दो। अब बैंक ने क्या देखा कि भैया 1 करोड़ का तो 1 करोड़ थोड़ी दूंगा, बैंक इसे करेगा डिस्काउंट, यानी बैंक ने कहा 1 करोड़ का भैया ठीक है लेकिन मैं आपको इसके जो है 90 लाख रुपए दे सकता हूँ या 98 लाख रुपए दे सकता हूँ या 97 लाख, मान लेते हैं 97 लाख रुपीज बैंक ने ऑफर करा और कंपनी बोलती है चल यार कुछ तो आ रहा मेरे पास में, अपना काम तो चलेगा। तो यहां पर 1 करोड़ रुपए का सीपी बैंक ने ले लिया और उसके बदले 97 लाख रुपए इसको पे कर दिया बैंक, तो कंपनी ने क्या करा 3 लाख का लॉस झेल करके कोई बात नहीं अपना काम चला लिया, 97 लाख उसको मिल गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, बैंक के पास 1 करोड़ का सीपी है, अब बैंक अपने पास रखे थोड़ी रहेगा इसको कि 3 महीने बाद पैसा निकालूंगा, 3 महीने का इतना टाइम भी रुकू भाई मैं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक पहुंचेगा भैया आरबीआई के पास और आरबीआई से बोलेगा कि सर मेरे पास 1 करोड़ रुपए का एक सीपी है आप इसे ले लो और इसके बदले मुझे पैसा दे दो। अब यहां पर क्या होगा कि आरबीआई इस बॉन्ड को लेकर के इसको करेगा रीडिस्काउंट, रीडिस्काउंट मतलब ये ऑलरेडी यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ डिस्काउंटिंग, ये वैल्यू क्या होता है डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम रेट पर इशू किया और जो वैल्यू इसके पास थी उसको दोबारा से रिवैल्यूएट कर रहा है सर, और यहां पर इन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई मैं आपको इसके 98 लाख रुपीज दे सकता हूं, ठीक है तो ये वैल्यू क्या हो गई रीडिस्काउंट हो गया, यानी डिस्काउंटिंग को दोबारा से रीडिस्काउंट करना, तो बैंक ने कहा ठीक है दे दो, और 98 रुपए करके बैंक ने तुरंत 1 लाख रुपए यहां कमा लिए सर और आरबीआई 1 करोड़ रुपए का सीपी यहां पर इश्यू कर दिया सर। तो यहां पर डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग का मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा सब लोग। अच्छा यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं जैसे फेस वैल्यू, देखिए इन सब का आगे यूज होगा फेस वैल्यू, ठीक है फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉन्ड पर प्रिंटेड वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आप पे 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट पे क्या लिखा है 100 रुपए, तो 100 रुपए के उस नोट की वैल्यू क्या है 100 रुपए होगी सर, है ना, किसी 100 रुपए का बॉन्ड आपने लिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी 100 रुपए होगी, तो किसी भी बॉन्ड पर प्रिंटेड वैल्यू उसकी फेस वैल्यू कराती है और फेस वैल्यू से कम कीमत पर क्या कहलाता है डिस्काउंटिंग रेट कहलाता है सर, डिस्काउंटिंग वैल्यू कहलाती है या डिस्काउंटिंग रेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का आपका फेस वैल्यू का बॉन्ड है और मैं आपको इसके जो है 97 रुपए देता हूं, आप मुझे बॉन्ड दे दो, तो 97 क्या हो गया ये इसकी डिस्काउंटिंग वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया इसका फेस वैल्यू हो गई। तो आई और डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, रीडिस्काउंटिंग क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होती है, आप क्लियर हो सकते क्या बैंक ऑन आरबीआई सर, यहाँ पे डिस्काउंटिंग अमाउंट पे नेगोशिएशन होता है क्या आरबीआई, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है यहाँ एक्चुअली, ये जो नेगोशिएशन की मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये नेगोशिएशन होता है फिक्स होता है सर, आरबीआई का क्या होता है कि आरबीआई बैंक रेट का जो भी रेट चल रहा होगा उसके बिहाफ पर इस रेट को सेट करता है कि रीडिस्काउंटिंग रेट, याना आरबीआई का रीडिस्काउंटिंग रेट हमेशा सेट होता है किसके बिहाफ पर, बैंक रेट के बिहाफ पर सेट होता है सर। ठीक है हाँ बिल्कुल सर, चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां से, ये आई होप के थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया आपके लिए। अब यहां पर एक चीज और जान लीजिए इस चीज के लिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको जानिए, भारत सरकार मार्केट से फंड राइज करने के लिए के बीच में भी सेम होता है क्या, देखिए बैंक और कस्टमर्स की अगर बात करते हैं सर, देखिए ये अलग लेवल की बात हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट के टर्म में बात कर रहे हैं सर, ठीक है तो इसके अंदर क्या होंगे जो मनी मार्केट के योद्धा हैं वो इसके अंदर पूरी तरह शामिल रहेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ सर,
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं लैंडिंग के रिगार्डिंग, वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश की राजा है, और कई बार गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे उसकी इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो खर्चों को मैनेज करने के लिए सरकार मार्केट से उधार लेती है। अभी उधार क्या होंगे? यह उधार या तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाएगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा सर। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सर, आप बिल्कुल टेंशन लीजिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए आपकी जो है होती है सर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लंबी अवधि के लिए उधार चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, जिसका नाम होता है जीसेक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि जीसेक की फुल फॉर्म जी फॉर गवर्नमेंट सेक फॉर सिक्योरिटीज होता है सर। और जीसेक एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म मतलब, चूंकि लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पर है सर कि जो ड्यूरेशन है इसकी, ये आपकी जारी होती है 1 साल से अधिक समय, यानी कि 5 साल के लिए जारी हो सकती है, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 14 ईयर्स के लिए, और आपके 30 साल के लिए आपकी इशू कर सकते हैं, यानी ये टाइम पीरियड है सर। अगर आप जीसेक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 30 साल से लेकर के 40 साल की अवधि के लिए आप जीसेक को इशू कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है सर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर बन के तैयार हो रहा है सर, तो उसके डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जीसेक के बिहाफ पर क्या होती है, मार्केट से फंड राइज करती है। ये सारा ऑपरेशन मैं चला के दिखाऊंगा आपको किस तरह चलेगा सर। अब जो ये रेट ऑफ, यानी जो आपके जीसेक है, इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक वगैरह पैसा अपना इसमें लगा करके इससे फंड राइज गवर्नमेंट को मिल जाता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए सर, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए सर, तो वो इश्यू करती है टी बिल्स सर, ट्रेजरी बिल्स। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इस पर हम मनी मार्केट में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा उस पर। टी बिल्स की अगर बात करते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए। तो बिलो 1 ईयर्स शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और 1 ईयर्स एंड अबव टर्म पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू होती है सर। तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को टी बिल और लॉन्ग टर्म को आपका जी खाता है, जिससे का एग्जाम्पल है क्या? देखिए, सेवरेन गिल्ड बॉन्ड जो होता है ये भी एक तरह का बॉन्ड है सर, और अगर सेवरेन गिल्ड बॉन्ड की बात की जाए सर, तो ये जो इसकी ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 8 साल तक के लिए रहती है सर, ठीक है। तो उसके अलग अलग पीरियड है जिसमें हम इसको ले सकते हैं सर, ठीक है। तो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो छोटे अमाउंट के लिए इशू होता है, जबकि यहाँ जीसेक की बात की जाए तो ये बहुत बड़े अमाउंट के लिए इशू होता है सर। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को सिर्फ खाली 100, 200, 500 करोड़ रुपए की नीड है, 1,000 करोड़ की नीड है, 2,000 करोड़ की नीड है, 5,000 करोड़ की नीड है, या 10,000 करोड़ की नीड है, 1,00,000 करोड़ की नीड है, तो टी बिल से थे। लेकिन जब गवर्नमेंट को चाहिए होता है 1,00,000 करोड़ रुपए में अमाउंट सर, बड़े बड़े अमाउंट में सर, तो जीसेक की नीड होती है सर, ठीक है। अब देखिए, टी बिल्स के टाइम आपको बताइए 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए इशू किया जाता है सर। ये 3 तरह के ट्रेजरी बिल्स होते हैं आपके पास में, ठीक है। अब एक सवाल उठता है, देखिए, कैन प्रीमेच्योर सेवरेन ग्रीन बॉन्ड आफ्टर 5 ईयर्स? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप इससे पहले लेंगे तो एक चीज होती है, जितनी भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो एसजीबी के हो, एफडी हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें एक चीज होती है, अगर प्रीमेच्योर आप उसमें से विड्रॉ करेंगे सर, ठीक है, तो उस पर कुछ पेनल्टीज अमाउंट के साथ में कट करके पैसा आपको पे कर दिया जाएगा सर। आप थोड़ा रख दू यहाँ पर, मैं देख लूंगा। अब देखिए, सवाल उठता है कि जीसेक इशू कहां पर होता है? तो जीसेक जिस मार्केट में इशू किया जाता है, तो उस मार्केट को बोलते हैं गिल्टेज मार्केट, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वहां पर टी बिल इशू किया जाता है, और दोनों का कंट्रोल रेगुलेशन कौन करता है साहब? आरबीआई करता है। देखो, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन चुका है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है कहां पर? तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है आपकी किसमें? गिल्टेज मार्केट है, गिल्टेज यानी कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट सर, बिल्कुल सही, ठीक है। जबकि जो ये पीरियड है आपका, हाँ, वॉइस ब्रेक हो जा रहा है, गोविंद जी बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि ये जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये कहां से होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होती है सर, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में समझा पाया। जब भी भारत सरकार को लॉन्ग टर्म का लोन चाहिए तो वो जीसेक इशू करेगी आरबीआई के लिए, ताकि आरबीआई उसके बिहा पर फंड राइज कर सके, और गवर्नमेंट को जब भी शॉर्ट टर्म के लोन चाहिए होते हो तो टी बिल की बिहा पर फंड राइज करती है मार्केट से सर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बस चलाकर दिखा दूं, और उसके बाद मैं अपने बैंक रेट के पोर्शन में चलता हूँ, क्योंकि अब उसके रिगार्डिंग भूमिका तैयार हो चुकी है, अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे सर, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है, गोविंद जी बोल रहे हैं, दिया जी बोल रही हैं, एक बार वॉइस कंफर्म कीजिए प्लीज।
माइक चेक करो। ओके बिल्कुल नाउ ओके ठीक है सर क्लियर एग्जाम परफेक्ट है। ओके थैंक यू। अब देखिए आते हैं आरबीआई पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नैतिक जिम्मेदारी ये कि देश के अंदर जितने भी हमारे बैंक हैं या जितने भी आरबीआई कस्टमर्स हैं उनको समय समय पे लोन मिलता रहे उनकी नीड के अकॉर्डिंग सर। ठीक है, तो आरबीआई अपने कस्टमर यानी बैंकों को दो तरह के लोन देता है, या तो वो लॉन्ग टर्म का लोन देगा या देगा वो शॉर्ट टर्म का लोन। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब कितना होता है, तो ये होता है अप टू 90 डेज, ठीक है, और 91 डेज एंड अबव पीरियड, लेकिन अब 1 ईयर मैक्सिमम देना, मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल से अधिक नहीं होगा। तो 91 डेज या उससे अधिक समय के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन काउंट करते हैं यहाँ पर, और जबकि 90 दिन पीरियड को शॉर्ट ड्यूरेशन काउंट किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब भी कमर्शियल बैंकों को लोन देगा तो वो रेट जो चार्ज करेगा उस लोन पर वो कहलाएगा बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट और कुछ नहीं है, बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंकों पे जब आरबीआई लॉन्ग टर्म उधार दे रहता है तो उस पर चार्ज करता है, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो होता है रेपो रेट सर। ठीक है, रेपो रेट क्या है, जो हमारे देश का मेन की पॉलिसी रेट है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, की पॉलिसी रेट कौन हमारा, रेपो रेट सर। अब यहाँ पे बैंक रेट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हल्का सा। हाँ एक बात तो जान लीजिए, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दें तो जिस रेट पे देंगे उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, बैंक रेट मतलब वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म को उधार दे रहा है, मतलब कम से कम 90 डेज या उससे अधिक समय के लिए उधार दे रहा है। जबकि रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कमर्शियल बैंक को उधार देता है। ठीक है, ये 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, मैक्सिमम 90 दिन के लिए। जबकि आरबीआई अगर कमर्शियल उधार मांगता है तो वो रिवर्स रेपो रेट पे उधार ले सकता है सर, यानी कि अगर किसी बैंक ने उधार दिया है आरबीआई को तो आरबीआई उस पैसे को रिवर्स रेपो रेट पर वापस करेगा आपके लिए सर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम सबसे पहले समझेंगे कि बैंक रेट वर्क कैसे करता है। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, बैंक रेट को आप डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डिस्काउंट रेट, तो ध्यान रखना जो बैंक रेट है ये आज की डेट में सिर्फ दो काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है सर, ये आज की डेट में लेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि इसको लोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता सर। ठीक है, तो कोई भी बैंक इतने लंबी अवधि के लिए उधार नहीं लेता आरबीआई से सर। ठीक है, क्योंकि बैंक रेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल पेनल्टी पेनल्टी लगाने के लिए किया जाता है सर। हाँ बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पेनल्टी के लिए इंपोज करते हैं। पेनल्टी की अगर बात की जाए तो पेनल्टी क्या होती है, इसके अंदर जो भी बैंक रेट होगा हमारा +2% या 3% की जो पेनल्टीज है या 5% पेनल्टीज है वो इस पर काउंट होती है सर। ठीक है, दूसरा काम रीडिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग रेट जो था उसको तय करने के लिए। अभी आपको याद होगा मैंने अभी दिखाया था रिजर्व बैंक ने लोन रीडिस्काउंट किया था, तो जो रीडिस्काउंट वैल्यू ने सेट की थी कि 90 लाख में बैंक को वापस कर रहा था वो, तो वो डिस्काउंट भी तय करता है बैंक रेट। तो ध्यान रखना बैंक रेट का आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि एक तो जो बैंक एसएलआर सीआरआर मेंटेन नहीं करते या सीआरआर मेंटेन जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट कुछ दब गया बटन हमसे, शादी बटन हमसे थोड़ा दब गया, 1 मिनट क्या हुआ, शायद रफ हो गया, कोई बात नहीं। तो 3 बातें याद रखिएगा, बैंक रेट का जो इस्तेमाल है सिर्फ पेनल्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उधर रीडिस्काउंट करने के लिए सेट हो सकता है ना। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूं आपके लिए, कोई बात नहीं। जो बैंक रेट है आज की डेट में लैंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी लोन इस पर नहीं दिया जाता, कोई बैंक नहीं लेता लोन सर। ठीक है, अगर बात करें बैंक रेट का इस्तेमाल, तो बैंक रेट का इस्तेमाल पेनल्टी लगाने के लिए होता है, किस पर, ऐसे बैंकों पर जो कि सीआरआर या एसएलआर मेंटेन नहीं करते या आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, तो ऐसे बैंकों पर हम क्या करते हैं पेनल्टी इंपोज करते सर। जबकि रीडिस्काउंट, रीडिस्काउंटिंग रेट जो होता है उसे सेट करने के लिए बैंक रेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया रीडिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था आपके लिए कि अगर 1 करोड़ रुपए का 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ सपोज कीजिए किसी कंपनी के पास में कोई सीपी रखा है, सीपी हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स हो सकता है या सीडी हो सकता है सपोज कीजिए, तो अगर उस कंपनी को नीड है
अर्जेंट नीड है पैसे की, तो वो क्या करेगी, किसी बैंक के पास उसको सरेंडर करके क्या करेगी, फंड की डिमांड करेगी। तो बैंक क्या करेगा, इसको ले लेगा 1 करोड़ को, और उसके बदले एक वैल्यूशन इसको देगा, सपोज करिए 97 लाख रुपीज में बात बन जाती है, ये डिस्काउंटिंग रेट हो गया। 97 लाख में बैंक ने 1 करोड़ रुपए का सीपी ले लिया। अब बैंक क्या करेगा, 3 महीने तक इसको रखे थोड़ेगा, टांगे थोड़े रखेगा सर। बैंक तुरंत क्या करेगा, आरबीआई के पास जाके बोलेगा कि भैया आरबीआई, ये 1 करोड़ रुपए का सीपी मेरे पास रखा है, इसे आप ले लो, और उसके बदले जो पैसा मुझे दे दो। अब आरबी के डिस्काउंट, ये जो वैल्यू चेक करेगा इससे, ये तो हो गया डिस्काउंटिंग रेट, और ये जो वैल्यू आ रही है ये है री डिस्काउंटिंग रेट। अभी डिस्काउंट कैसे होगा, ये होगा बैंक रिजर्व। बैंक रेट चल रहा है आपका कितना परसेंट चल रहा है सर, मान लीजिए आपका 6.75%, ठीक है, तो 6.75% प्रेजेंट में बैंक रेट है, तो यहाँ 3 मंथ का टाइम है, तो 1 महीने का अगर मान ले 6 के हिसाब से लगा, 6 से 18, लगभग लगभग 20%, यानी ये मान लेते हैं 2% के हिसाब से यहाँ पर कि 98 लाख रुपीज यहाँ पर बैंक ऑफर कर देगा आरबीआई जो है बैंक के लिए, और 1 करोड़ रुपए का ये बॉन्ड रख लेगा। तो यहाँ 98 लेके 97 लाख में खरीद के 90 लाख में उसको बेच दिया है, तो यानी कि 1 लाख रुपए बैंक ने तुरंत यहाँ पर कमा लिया सर। तो ये डिस्काउंटिंग रेट होता है, और ये क्या होता है, री डिस्काउंट। तो ये री डिस्काउंट रेट जो सेट होते हैं ये हमेशा आरबीआई बैंक रेट के बिहाफ पर ही सेट करता है। इन दो पॉइंट को ध्यान रखना, ये आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है या आपके एग्जाम में भी आ सकता है सर। देखिए सिंपल सी बात है, बैंक जो होता है बैंक इसके लिए किसी रेट का इस्तेमाल नहीं करता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम आपके यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर निखिल सर आपके पास एक मोबाइल फोन है सपोज कीजिए, और आपने 10,000 रुपीज का फोन खरीदा सर, लगभग 6 महीने बाद आप उसको सेल करते हैं, तो क्या आपको 10,000 मिलेंगे उसके, नहीं मिलेंगे, वो जाएगा मान लीजिए 7,000 का है, 5,000 रुपए का जाएगा, तो इस 7,000 रुपए में क्या होगी, इसके कंपेरिजन में डिस्काउंटिंग होगी, नहीं होगी। अब मान लीजिए 1 साल बाद इस फोन को फिर बेचे तो क्या 7 के भी गया, नहीं, वो हो सकता 4 का भी गया, 5 के भी गया, तो क्या हो रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या हो रहा है कि जो भी मार्केट में मतलब रेट चल रहे हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू उसकी वैल्यूएशन की जाती है, तो वैल्यूएशन के आधार पर उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है उसके हिसाब से चीजें सेट की जाती है यहाँ पर। तो बैंक भी जो ये रेट सेट करता है, ठीक है, जो सिंपल सी बात है किसी व्यक्ति बहुत अर्जेंट नीड है पैसे की, तो हम क्या करते हैं कुछ अपने बैंक का फायदा देखते हैं, कहां से हमने 3 लाख रुपए यहाँ पर जो बैंक के लिए बना लिए सर। भाई 1 करोड़ रुपए अगर 3 महीने रखे रहे तो 3 महीने में हमें क्या मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन 3 महीने कौन वेट करे, हम एक दिन भी वेट नहीं करेंगे, हम 1 करोड़ रुपए लेकर आरबी को दे देंगे सीधा, आरबी बनाता रहेगा जो भी करना है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधा 1 लाख कमाई करके एक ही दिन के अंदर, वो ज्यादा मान अच्छा भाई 3 महीने बाद 3 लाख हमें मिले वो अच्छा है, या हमें 1 दिन के बाद ही हमें 1 लाख रुपये मिल जाए वो अच्छा है, तो दिन के 1 लाख कमा लिया वो ज्यादा बढ़िया मान ली सर, तो 1 लाख कमा के बैंक छोड़ देता है इसके लिए, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, से एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ प्रभात त्रिपाठी जी, अच्छा, मैं प्रभात जी आपका मैसेज देख नहीं पाया था इस बात के लिए, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ इसको। ना 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 ना, रेपो रेट डिफरेंट है सर, रेपो रेट का डिफरेंट है, यही मैं आपको बारीकी बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं एक बार फिर से कर ले कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, लीजिए मैं इसको खोल देता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ स्क्रीन पर क्या लिखा है इस बात के लिए, पहले समझ लीजिए, द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आर बी चार्ज वाई लेंडिंग लोन टू डोमेस्टिक बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। ये डेफिनेशन होगी, वेन अ बैंक सफर फंड डेफिशिएंसी इट कैन बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई टू कंटिन्यू सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई री डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आरबीआई जो डिस्काउंट रेट के सेट करता है इसको, एक बात तो यार ये है, दूसरी बात हमने बताया पेनल्टी, पेनल्टी रेट क्या होता है, बैंक रेट प्लस 3% की जो पेनल्टी होती है वो यहां सेट की जाती है, किस पर सेट की जाती है, जैसे अगर कोई बैंक एसएलआर मेंटेन ना करे, या अगर कोई बैंक सीआरआर मेंटेन ना करे, या आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो ना करने पर, या अगर कोई बैंक अपने बेसिक कोटा से अधिक की डिमांड करते सर। बेसिक कोटा समझते हैं, बेसिक कोटा इज लाइक ए ओडी फैसिलिटी सर, हर बैंक के डिपॉजिट की बिहा पर आरबीआई के पास हर बैंक का एक बेसिक कोटा होता है जिसमें वो डिमांड करता है लोन की, बैंक रेट पर लोन लेने की सर, और अगर कोई अपने बेसिक कोटा ज्यादा डिमांड करता है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो चार्ज बैंक रेट प्लस 3% बिहा पर काउंट होता है 1 दिन के लिए सर, जितने का भी आप एक्स्ट्रा लेंगे सर, ठीक है। तो आई होप के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका थोड़ा क्लियर हो गया आपके लिए। अब मैं आपको रेपो रेट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सर। देखिए यहाँ पर
जब हम रेपो की बात करें, रेपो का मतलब होता है इज अ रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर का मतलब होता है पुनः खरीद एग्रीमेंट। समझिएगा कैसे होता है। ये रहा हमारा एक बैंक और साहब ये रहा आरबीआई। ठीक, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म का उधार देता है। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 90 डेज। अभी 90 डेज मतलब एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 90 दिन के लिए सर। तो अगर किसी बैंक को उधार चाहिए तो वो आरबीआई से उधार लेगा। तो आरबीआई के पास जाकर के जब वो उधार लेगा कोई बैंक, तो क्या अपने दांत दिखाकर ही हमें लोन दे दो ऐसे मिलेगा? नहीं, बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी उसके पास है वो उसे मॉर्गेज करेगा और आरबीआई उसकी वैल्यूएशन के आधार पर एक जो भी मनी अमाउंट है वो प्रोवाइड करेगा किसको? बैंक को। और जब ये मनी दी जाएगी तो आरबीआई से एग्रीमेंट करेगा, एक बॉन्ड साइन कराएगा बैंक से। कैसे एग्रीमेंट होगा? उस एग्रीमेंट को बोलते हैं रीपरचेजिंग ऑफर। मींस मिस्टर बैंक आज इस डेट पर इतनी गवर्नमेंट, इतने मूल्य गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर के इतने टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको इतना पैसा उधार दिया है। उस टाइम पीरियड के बाद ये पैसा विद रेपो रेट ब्याज के साथ मुझे वापस कीजिएगा और अपनी सिक्योरिटी वापस लेकर जाइए। ये जो लेन देन का एग्रीमेंट है इसी को रीपर्चेस एग्रीमेंट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को मिनिमम रेपो रेट में उधार कितना देगा? तो जानना मिनिमम उधार जो दिया जाता है वो 5 करोड़ रुपीज का मिलेगा और मैक्सिमम 5 करोड़ के मल्टीपिल में आप जितना चाहे अकॉर्डिंग टू आपकी असेट्स। 5 करोड़ मिनिमम, याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि रेपो रेट में जो मिनिमम टिकट साइज है या मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो कितना मिलेगा? 5 करोड़ का। तो आपकी जो सिक्योरिटीज है वो इतनी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 करोड़ का उधार मिल सके। अब सवाल उठता है कि रेपो रेट पर कब कमर्शियल बैंक कब डिमांड कर सकते हैं? तो भाई शाम को 3 से 5 के बीच, यह है विंडो टाइमिंग, इसे बोलते हैं विंडो टाइमिंग। विंडो टाइमिंग जो है रेपो रेट की कितनी है सर? 3 से 5। अब यहां 3 से 5 क्या एग्जैक्टली नहीं है, ध्यान रखना, ये 3.25 या 3.5 साढ़े 5 हो सकती है, लेकिन 3 से 5 का टाइमिंग है, ये टाइम बिल्कुल फिक्स है। तो शाम 3 से 5 के बीच में कोई भी कमर्शियल बैंक कुबेर मंच पर, सब लोग जानते हैं कुबेर मंच क्या होता है? कुबेर मंच जानते हैं ना? कुबेर मंच आरबीआई का वो प्लेटफॉर्म है जहां पे कमर्शियल बैंक बोली लगाते हैं सर। यस, ई कुबेर, बिल्कुल सही। तो 3 से 5 के बीच में कमर्शियल बैंक आरबीआई डिमांड करते हैं रेपो रेट पर लोन की सर। बिल्कुल आरबीआई पोर्टल, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस पर जो है आरबीआई लोन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अब बैंकों को लोन प्रोवाइड कर देता है सर। ठीक, ये तो बात हुई आरबीआई की। अब देखिए रिवर्स रेपो कैसे काम करता है। रिवर्स रेपो, यहां भी बढ़ाना रिवर्स रेपो रेट सर। तो रिवर्स रेपो मतलब रेपो रेट को रिवर्स कर दिया, पर रीपर्चेज ऊपर यहां पर दिया। देखो कैसे काम करता है, ये हमारा आरबीआई है और ये हमारा बैंक है। ठीक है, यहां रेपो रेट में बैंक उधार मांग रहा था आरबीआई से, अब यहां पर आरबीआई उधार मांगेगा। यदि आरबीआई को भी लोन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है बैंकों के पास रखेगा और बैंकों से उसके बदले उनकी वैल्यूएशन आधार पर मनी की डिमांड करेगा। तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को मनी पे करेंगे। लेकिन जब बैंक आरबीआई को मनी देंगे तो मनी देते समय उसके साथ करेंगे रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, रीपर्चेस एग्रीमेंट। अब रीपर्चेस एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं यहां पर, तो इस रीपर्चेस एग्रीमेंट के तहत यह होगा कि मिस्टर आरबीआई, आज आपकी सिक्योरिटी हमने रख ली अपने पास में और इतने समय के लिए इतना पैसा उधार दिया है, उस टाइम पीरियड के बाद विद रिवर्स रेपो रेट ब्याज पर आप मुझे वापस कर देंगे सर। 3.35% फिक्स है, ध्यानना रिवर्स रेपो रेट क्या है हमारा? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब ये 3.35% पर फिक्स कर दिया है। किसने किया है? बाई एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन ने रिवर्स रेपो रेट के रेट को फिक्स किया हुआ 3.35% पर। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3.35% पे इसको फिक्स किया हुआ है। इसको ना तो ये कम होगा ना ज्यादा होगा, ये फिक्स्ड है सर। ठीक है, तो इस रेट को तो बिल्कुल आप समझ लो, छाप लीजिएगा, कभी भी आपको इसके बारे में ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। ठीक है, तो रेपो रेट, अब यहाँ रिवर्स रेपो की बात की जाए तो ये भी समझ लो, इसमें भी मिनिमम 5 करोड़ रुपए का उधार मिलेगा, मैक्सिमम 5 करोड़ के मल्टीपल उधार इसके साथ। बिल्कुल पेनल्टी लगेगी सर, आरबीआई विद पेनल्टी पे करेगा सतीश जी। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक हो, चाहे भारत सरकार हो, देखिए फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन को इनको फॉलो करना पड़ता है। रिजर्व बैंक भी सिंपल सी बात है, अगर टाइम पर पैसा नहीं दे रहा है
तो वो विद पेनल्टी जो है, विद ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज वो आपको पे करेगा सर, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम 5 करोड़ है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ के मल्टीपिल में जितने चाहे आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है सिक्योरिटी पर सर। अब होता है आरबीआई ने मांगे 1000 करोड़ पे, और बैंक की जेब में 1000 करोड़ होगा, 200 करोड़, तो किसी बैंक ने 200 करोड़ दे दिए, किसी ने 300, किसी 500, तो इस प्रकार करके आरबीआई कॉन्ट्री करके फंड रेज करता है। अब आपके मन में सवाल होगा, आरबीआई उधार क्यों लेता है सर? आरबीआई उधार क्यों लेता है? आरबीआई पास नोट छापने की क्षमता है, फिर क्यों उधार लेता है? तो मैं 2 मिनट को जी ये भी पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, आरबीआई उधार क्यों लेता है। जरा मैं इसे जरा रफ करने जा रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं मैं। हाँ देख लीजिए, 1 मिनट का समय लगेगा, समझ लीजिए इसको भी सर। देखिए देखिए, कोई बात नहीं, सबको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? देश की राजा है सर। अब राज्य की इनकम कमाई और खर्चे ज्यादा है, तो खर्चों को मैनेज करने के लिए क्या करेगी? वो उधार चाहिए। गवर्नमेंट को जब भी उधार चाहिए तो भैया वो बैंकों के पास नहीं जाएगी, ये पब्लिक के पास नहीं जाएगी, ठीक है। वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई से बोलेगी, भैया मुझे 100 करोड़ रुपीज का उधार चाहिए। अब आरबीआई कौन है? गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट एजेंट बैंक है, बैंकर ऑफ द बैंक है। तो आरबीआई का, ठीक है भैया मैं पैसा दूंगा, लेकिन आरबीआई ने क्या कर रखा है? यहाँ पर WMA नाम का फंड बना रखा है गवर्नमेंट के लिए, जब भी गवर्नमेंट मांगी पैसा 1.5 लाख करोड़ से बढ़े, तो आरबीआई तुरंत इसमें से 100 करोड़ रुपए लेगा और यहाँ पर ये पैसा दे देगा किसको? इनके लिए सर, गवर्नमेंट के लिए। अब आपको पता है, गवर्नमेंट को जब ये पैसा दिया गया WMA से, 100 करोड़ रुपीज यहाँ पर गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट में जब लोन की डिमांड करी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है सर। कौन सी वाली? G-Sec हो सकती है, T-Bill हो सकती है, अभी याद होगा मैंने बताया थोड़ी देर पहले। गवर्नमेंट को जब भी लोन चाहिए होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, चाहे वो T-Bill हो या G-Sec हो, वो आपको आरबीआई को इश्यू करना पड़ेगा, और आरबीआई उसके बिहाफ पर WMA से फंड निकाल कर उसको दे देगा सर। आइयो भी तब के लिए होगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा मिल गया सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन WMA फंड से 100 करोड़ रुपए कम हो चुके हैं। अब ये 100 करोड़ जो कम हुए हैं, हो सकता है कल को एकदम सारा राज्य मांग ले पैसा, तो यहां बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जितना पैसा इसमें निकलेगा उसको फिल करके रखना भी आरबीआई की जिम्मेदारी। 100 करोड़ निकले, तो अभी 100 करोड़ को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे बैंकों के बीच में ओपन मार्केट ऑपरेशन तक क्या करेगा? सेल करेगा कि भैया ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कोई लेना चाहो तो ले लो, मुझे इसके बदले पैसा दे दो। तो सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला कि यार 100 करोड़ मेरी जेब में एक्स्ट्रा पड़े हैं, क्या करूं, आप ले लो। तो SBI ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लेगा और उसके बदले 100 करोड़ रुपए किसको दे देगा साहब? आरबीआई को दे देगा, और एग्रीमेंट कर लेगा आरबीआई से जो भी टाइम पीरियड है। 100 करोड़ मिलते हैं, आरबीआई इस पैसे को यहां पर फिल कर देगा, यानी यहां पे बैलेंस हो गया सारा पैसा, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया और SBI का एक्स्ट्रा पैसा काम पे लग गया। अब ये पैसा जो दिया गया है, आपको पता है आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया 90 दिन के लिए, तो 90 दिन के बाद क्या होगा? 6.50% ब्याज पर, यानी 90 डेज के बाद ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। जब 90 दिन के बाद गवर्नमेंट को, यानी आरबीआई को पैसा मिल गया, तब आरबीआई क्या करेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली थी आरबीआई ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर मार्केट से उधार लिया था, अब उसको वापस भी करेगा आरबीआई। अब आप लोग बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से जो शॉर्ट पीरियड के लिए उधार लिया है, G-Sec इशू करके उसके बोला उधार लिया ना 100 रुपए का, ये G-Sec तक के डिवेंचर हो गया आरबी के लिए। तो आरबी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके उसके बदले क्या करा? 100 करोड़ का उधार लिया। तो इस उधार पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा कौन सा होगा? दिया मैम बताएं। यस, रिवर्स रेपो रेट, यानी 3.35% का ब्याज। और इस रेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? वो आरबी की जेब में जाता है, जो कि इसकी इनकम होती है सर। बिल्कुल सर, वीडियो लोड हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है इसके अंदर, रिकॉर्डेड हो रहा है अभी इसके अंदर। तो आई होप कि ये, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सेम है, ओपन मार्केट मतलब वो बाजार जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल भी करता है और परचेज करता है। तो जहां पर आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज किया जाता है, इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं सर। WPA की फुल फॉर्म, WPA नहीं है सर, WMA होता है सर, वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम, वेज एंड मींस एडवांस सिस्टम। देखिए SBI लेके क्या करेगा, बात समझिएगा, अगर आपकी जेब में
100 करोड़ पे एक्स्ट्रा पड़े हैं और आपको इसकी जरूरत कब पड़ी है, मान लीजिए कल पड़ेगी, परसों पड़ेगी, एक महीने बाद, 2 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, कई बार होता है पैसे से एक्स्ट्रा आ जाता है जिम में, तो हम क्या करते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, भले ही 2 दिन के लिए करते हैं, 4 दिन के लिए करते हैं। ये जो टेम्परेरी 90 दिन मैक्सिमम है, हो सकता है गवर्नमेंट 4 दिन के लिए चाह रही हो, भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरी इनकम आने वाली है और मुझे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या करूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म की आरबीआई को दी, उससे पैसा उधार ले लिया और सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे ही पैसा आया तो वापस भी करेगी सर, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तो व्यवस्था है मैनेजमेंट की। तो ओपन मार्केट ऑप्शन जो आरबीआई चलाता है वो आरबीआई अपने नहीं चलाता सर, वो चलाता है बैंकों, गवर्नमेंट के लिए, बैंकों के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के लिए, जब उनको नीड होती है फंड राइज करने की। जब मनी मार्केट चलेगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा सर। ओके, अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, थोड़ा रेपो रेट को समझ लीजिए। यहां पर ये रहा रेपो रेट का बेसिक पोर्शन जो अच्छे से आपको बताना चाहिए। देखिए, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय अ बैंक टू आरबीआई विद अ प्रॉमिस टू रिपर्चेज आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड रेपो। रेपो इज मोस्टली फॉर द ओवरनाइट, मींस मोस्टली अ वन डे, यानी रेपो रेट पर जो उधार होता है वो मोस्टली क्या होता है, 1 दिन का सर। घर 10 बजे आता हूँ, प्लीज सजेस्ट। ओके हर्षित गुप्ता जी, मैं समझ सकता हूँ कि कई बार मुझे भी 9-9, 10-10 बज जाते हैं, लेकिन मैं 10 बजे आती क्लास में घुस जाता हूँ सर सीधा पढ़ाने के लिए। रिकॉर्डेड वीडियो पर रिगार्डिंग मैं मैसेज फ्लैश करता हूँ भी एचओ के लिए, ताकि जो ये वीडियोस जा रहे हैं तेजी से जल्दी से लोड किया जा सके ऐप के अंदर, ताकि आप देख सकें सर। ठीक है, तो देखिए, अब ऑनलाइन बेस पर व्हेन आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंस टू बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट या रेपो ट्रांजेक्शन को कहते हैं। और याद रखना, शॉर्ट टर्म रेपो ट्रांजेक्शन, रेड कलर मार्क जो किया हो जाना, शॉर्ट टर्म रेपो ट्रांजेक्शन ये अप टू 1 ईयर तक के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजेक्शन जो होता है वो 1 से 3 साल के लिए होता है सर। और जो सिंपल रेपो ट्रांजेक्शन है वो कितना है आपका, अप टू 90 डेज के लिए होता है सर। इस बात को ध्यान रखना, ये ओवरनाइट भी होता है, मैक्सिमम 90 दिन के लिए होता है सर। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट सर। आप इसका सर स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं सर, लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अच्छा, समय सीमा समाप्त होगी क्या? अच्छा, ओहो, जल्दी से रिवर्स अप्रोच भी देख लीजिए, जल्दी से, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके बाद हम इस सेशन को ओवर करेंगे। मैं डिफरेंट नहीं समझ आ रहा है, दोनों में बैंक लोन ले लेता है आरबी से। देखिए देखिए देखिए, मैं बहुत अच्छे अभी मैं आपको बताया था सर। देखिए सर, जो 1 मिनट सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आपका। हाँ, प्रवीर जी बात कर रहे थे कि रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस समझ नहीं आया। देखो बात समझिएगा, जो आरबी था वो 2 तरह से लोन दे रहा है बैंकों को, या तो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आरबी लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है तो बैंक रेट कहलाएगा, बैंक रेट पर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म का दिया जाएगा तो वो रेपो रेट पर दिया जाता है सर। अब यहां पर मैंने बताया कि लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट लगेगा सर, लेकिन ऑक्चुअली क्या होता है, आज के टाइम में बैंक जो है बैंक रेट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं लेते सर। सो बैंक रेट का इस्तेमाल आज के डेट में ना के बराबर हो गया सर, बहुत कम, रियर केस में किसी ले लिया तो ले लिया, ना तो ले लेता। इसका इस्तेमाल सिर्फ रिपर्चेजिंग यानी डिस्काउंटिंग रेट को सेट करने के लिए, या फिर जो आपका पेनल्टीज वगैरह पोर्शन है उसको सेट करने किया जाता है सर, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी जितने भी बैंक लोन लेते हैं किस पे लेते हैं, रेपो रेट पे। तो ये क्वेश्चन जमा चुका है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे उधार लेते हैं उस रेट क्या बोलते हैं, इज आर रेपो रेट, रेपो रेट बाय डिफॉल्ट होता है सर। ठीक है, इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट जो ले लीजिएगा। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय अ बैंक फ्रॉम आरबीआई विद अ प्रॉमिस टू रीसेल आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, व्हेन बैंक डिपॉजिट एक्सेस कैश विद आरबीआई विद द होप ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट बाय द परचेजिंग सिक्योरिटीज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। वो सो रेपो रेट सर, है ना, रिवर्स रेपो, और रिवर्स ट्रांजेक्शन रिड्यूसिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम सर। ठीक है, तो ये सिस्टम में लिक्विडिटी कैसे रिड्यूस करता है, कोई बैंक नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सतीश जी, मैं आपको बता दूं, अगर कोई बैंक नहीं लेता तो वो आपकी चॉइस है भाई, सिंपल सी बातें, मैं सेब बेच रहा हूँ सर, ठीक है, मैं आपको सेब दूंगा तो उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, मैं सेब क्यों दे रहा हूँ आपको, ताकि मुझे पैसा मिले। अब सेब आप नहीं लोगे सर तो कोई और लेगा, कोई लेगा तो कोई और लेगा भाई, देखो सिंपल सी बात है। ओपन मार्केट ऑप्शन में कौन होते हैं, आपके बैंक भी होते हैं, राज्य सरकारें भी होती हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, इसके अलावा कॉर्पोरेट हाउस भी होते हैं बड़े बड़े, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही बैंक ले, आपका बैंक नहीं लेगा दूसरा बैंक लेगा सर। तो यहां पर क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है यहां पर सर, एक डील है कि जिसके व्यापार आरबीआई अपने फंड को मैनेज करता है सर। ठीक है,
तो आई होप के इतना इंफॉर्मेशन आपको सही लगा होगा, और अब इसके बाद एमएसएफ का पोर्शन स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चले गए हम लोग इसके अंदर आज। मैं आज टारगेट तक इसको खत्म कर दूंगा टॉपिक के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से कल इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके से पहले खत्म करेंगे और उसका एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, ओके गाइज, आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, और कल शाम की क्लास या मॉर्निंग की जो भी टाइम पीरियड होगा वो आपको फ्लैश कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, तो उस पर ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास हम ले लेंगे सर।